हेलो ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, डिग्री कैसे निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का वो पढ़ा, कोफिशियंट कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल का कोई भी पॉलिनोमियल जैसे कि पी एक्स है, x बराबर a पे जो भी वैल्यू उसकी आएगी उसी को पॉलिनोमियल की वैल्यू कहेंगे हम लोग। जैसे इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है, ठीक, तो अगर मैं x बराबर, इफ क्या मैं ले रहा हूँ, x बराबर वन, x बराबर अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे x के जगह पे 1 हो जाएगा, x के जगह पे 1 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 1 माइनस टू, यानी हमें क्या मिलेगा, माइनस 1। बात समझ में आया, यानी कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स का क्या वैल्यू आया, माइनस 1, किस पे, जब x बराबर 1 है तो। बात समझ में आए, तो यही पॉलिनोमियल की वैल्यूज है। जैसे कुछ आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसका, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमें ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। किस चीज़ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, एट x जब ज़ीरो है, क्या एट x बराबर ज़ीरो पे निकालना है और x बराबर माइनस वन पे निकालना है, ठीक है, और x बराबर किस पे, टू पे निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लिख देंगे सिंपल कि इफ़ x इज इक्वल टू जीरो, अगर x की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल ऑफ ये क्या होगा, जीरो पी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस फोर, ठीक, यानी क्या बचेगा, ये सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस थ्री। यानी कि जब x की वैल्यू जीरो हुई तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, माइनस थ्री। बात समझ में आया, ठीक। उसी तरीके से बोल रहा है x का वैल्यू जब माइनस वन रहे, तो ठीक है भाई, x का वैल्यू माइनस वन पुट करके हम लोग देखेंगे। x का वैल्यू जब हम लोग माइनस वन पुट किए तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू माइनस पुट करने से क्या मिलेगा, माइनस वन पुट किया, यानी कि p माइनस वन क्या हो जाएगा, फाइव माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक। क्या हुआ ये माइनस फाइव माइनस फोर, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो तो वन हो जाएगा, माइनस थ्री, ठीक, हमें क्या मिला, माइनस ट्वेल्व। बात समझ में आ रहा है, यानी कि जब पी बराबर माइनस वन है तो हमारा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आया, माइनस ट्वेल्व। जब पी बराबर जीरो था तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ आई थी। बात समझ में आया, उसी तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ ये, जब x बराबर 2 रहेगा तो हमारे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, ये हम लोगों को निकाल लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे, ओके, ठीक। एक दिया हुआ है फाइंड p0, एक क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड p0, p1 और p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी के लिए निकालना है p0, p1 और p2 की वैल्यू, यानी कि क्या भाई, पॉलिनोमियल ऑफ पी जीरो, पी वन और पॉलिनोमियल ऑफ टू, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें सभी इक्वेशंस के लिए। तो जैसे एक इक्वेशन दिया है कि पी वाई इज इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ठीक है। तो जब एक्स बराबर, जब वाई बराबर जीरो होगा, जब वाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा, P0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो और ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, यानी कि हमें क्या मिलेगा, यानी कि जब Y की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो हमें P0 की वैल्यू क्या मिलेगी, P1
पी वन, ये वन मिलेगा। उसी तरीके से वाई की वैल्यू जब वन होगी तो हमें पी वन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, उसी तरीके से वाई की वैल्यू जब टू होगी तो हमें पी टू की वैल्यू क्या मिलेगी। सिंपल है, इसी तरीके से हमें सब कुछ फाइंड कर देना है। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक ठीक है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट